तो टू ऑल द एफपी यूजर्स, हम लाइव हो चुके हैं. बहुत जल्दी हमारे बीच सुप्रिया मिश्रा जी आने वाली हैं और डूलिंग वर्ड सीरीज का ये बतकई सीरीज का पहला एपिसोड स्टार्ट होने वाला है. सुप्रिया जी इसमें एज अ गेस्ट आएंगी. तो जब तक वो आ रही हैं, मैं एक एक कविता पढ़ना चाहता हूँ. निदा फाजली जी की कविता है, उन्होंने माँ के ऊपर लिखी थी एक बहुत ही चर्चित कविता, आप लोगों ने सुनी होगी. लिखते हैं वो कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, बांस की खर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ, चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, मुर्गे की आवाज से बजती घर की कुंडी जैसी माँ, बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ, बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गईं, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी. तो ये एक छोटी सी कविता माँ के ऊपर मैंने आपको सुनाई और बहुत ही जल्दी सुप्रिया जी आपके सामने आएगी. आप लोगों से एक कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ जो एफबी यूजर्स अभी हमें लाइव पर देख रहे हैं. सो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में उसे शेयर कर सकते हैं. हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके क्वेश्चन जो हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं उन तक पहुंचा सकें, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल सके. और बहुत ही जल्दी अब जो है सुप्रिया जी आपके सामने आने वाली हैं. भैया अगर उन्होंने परमिशन फिर से मांगी हो तो उनको वो कर दो, ऐड कर दो, तो ऐड कर लेते हैं. हां हो गया, समय कर दिया. हो गया. I guess you are on mute. Hello. Only okay. I am unmuted. Yeah, hi. Can you hear me? हाँ दीदी आवाज आ रही है. हाँ प्रॉब्लम नहीं है ना? आवाज आपकी काफी फ्लक्चुएट कर रही है, नेटवर्क इशू है. ऑडियो फ्लक्चुएट कर रहा है वीडियो भी. हाँ जी ओके अभी भी अभी थोड़ा बैठा अभी भी. हाँ अभी ऑडियो सही है. आई थिंक वो स्टेबल रहेगा कैमरा तो. हाँ कैमरा स्टेबल रहेगा तो नॉर्मल रहेगा. आई होप ऑडियो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा नहीं है. थोड़ा थोड़ा है बट हाँ ठीक है सही है अभी. हाँ सो एक्चुअली द पर्क ऑफ दिस प्रोग्राम इज की आई एम सिटिंग एट द बनारस घाट. तो थोड़ा सा केबल जो यहाँ का है वो रहने वाले. इतनी अच्छी लोकेशन आपने चूज किया है, बहुत ही अच्छी बात है. आई होप आपको ठंड वहां पर ज्यादा ना लग रही होगी. नहीं नहीं यहाँ बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल है. सो टू ऑल द व्यूअर्स कौन होस्ट कर रहा है आपसे बातचीत कर. मैं कर रहा हूँ अभी यहाँ पर होस्ट. बनारस के बारे में तो मुझे आपसे बातचीत करनी थी और अगर आप अभी घाट पर ही बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है. मतलब बनारस डायरीज जो आपकी थी उसके बारे में तो जरूर मैं आपसे बात करना चाहूंगा. बिल्कुल बिल्कुल यार बिल्कुल. मतलब बनारस तो ऐसा चैप्टर है जो आई थिंक कभी खत्म ही नहीं होगा. आई डोंट थिंक कोई इंसान पूरे बनारस के बारे में कभी डिस्क्राइब कर सकता है. तो सबसे पहले दीदी हम स्टार्ट करते हैं तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आज. और बतकही जो हमारी सीरीज है
इसका ये पहला एपिसोड है और आपके साथ इस तरह से सेशन करना हम सभी के लिए बहुत ऑनरेबल बात है। और तो सबसे पहले मैं पर्सनली, मेरी एक क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए कि मैं आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, जब से आप शायद आपने यॉर्कआउट ज्वाइन किया था तो मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी, और आपकी पोइट्रीज और आपकी जो भी सेशंस होते हैं उनको। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अभी तक की जर्नी में बहुत सारे चेंजेस भी आए, कई सारे स्टेप्स भी, मतलब ऐसे यू नो टर्न्स भी आए कि आपने कई सारे फॉर्म्स भी चेंज करी, इंजीनियरिंग के बाद अचानक से शिफ्ट हुआ, और तो ये जर्नी कैसी रही शुरू से लेकर अभी तक, और खासकर यॉर्कआउट ज्वाइन करने का फैसला कैसे किया? So actually it has been totally a roller coaster ride, क्योंकि जब मैं 12th में थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी, और जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पोएट्री लिखने लगूंगी या फिर मैं ऐसा कुछ करूंगी। सो मेरे लाइफ में चीजें ऐसा हुआ कि अपॉर्चुनिटीज आती गई, एंड देन देयर वाज दिस ऑप्शन टू टेक द अपॉर्चुनिटी और नॉट टेक इट। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तब मैंने बीच में लिखना शुरू किया, और बाकी सारे इंजीनियर्स की तरह मैं खुद भी एक टेक जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन आई समवेयर न्यू कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, कुछ डिफरेंट करना था, बट वो क्या डिफरेंट है पता नहीं था, बिकॉज बहुत ज्यादा जो दुनिया थी उस वक्त उस दुनिया से हम लोग खुले नहीं थे। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं यॉर्कआउट उस टाइम नया नया ऐप आया था जब मैंने लिखना शुरू किया था, फॉर्चुनेटली उसी दौरान, और इट बिकेम अ वर्चुअल फैमिली फॉर मी और बहुत सारे लोगों के लिए जो उस टाइम नए नए यॉर्कआउट पे आए थे। एंड फॉर्चुनेटली मेरा ऐसा हुआ कि जॉब ढूंढने के लिए मैं बैंगलोर गई हुई थी, बिकॉज टेक जॉब ढूंढ रही थी और बैंगलोर इज द हब। तो वहां पे एक दिन ऐसे ही मुझे इसकी खुद भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे यॉर्कआउट का मुझको प्रपोजल आया। For almost 6 months जब मैं जॉब ढूंढ रही थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू टेक एनी, क्योंकि किसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, किसी में वो पीरियड ज्यादा था, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ज्यादा था, या किसी में सैलरी बहुत कम थी, करते करते 6 महीने के लिए जब कुछ नहीं मिला, देन देयर वॉज दिस टाइम जहाँ पे 4 job offers, चारों का ज्वाइनिंग डेट का ऑप्शन एक, दैट वॉज 12th March, एंड वहां पे वो एक डिसीजन लेना था कि टेक करना है बिकॉज दैट वाज अ सेफ ऑप्शन, या फिर कुछ डिफरेंट करके देखना है। तो ऐसा कि ठीक है कुछ डिफरेंट करके देखते हैं, यॉर्कआउट ने पूछा, एंड मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद कनेक्टेड भी थी और एक मुझे लगा कि आई थिंक ये एक बेटर ऑप्शन है मेरे क्रिएटिव साइड के लिए। तो वहां से शुरुआत हुई, और वो मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा लीप था स्विच करने के लिए, अदरवाइज लाइफ वुड हैव बीन रियली डिफरेंट। तो यॉर्कआउट का एक था जिसने मुझे काफी कुछ सिखाया, जहां से मैंने काफी कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों से मिली, आपसे मिली, और हाँ फिर वहां से इस साइकिल का पहिया यहाँ वहां से शुरू हुआ। ओके That's really great. और ये मैं भी खुद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो ये मैं आपको वो इमोशन समझ पाया कि जब आपने बोला कि आपको टेक में जाना है या फिर नॉन टेक में जाना है, और यॉर्कआउट जैसे स्टार्टअप में आपको जॉब मिली जहाँ पे आप टेक्निकल चीज भी आप हैंडल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक ऐसी फैमिली मिली जो राइटिंग से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो बना। और हाँ, बिकॉज स्टार्टअप था तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी थी, तो समहाउ टेक तो मुझे पता था कि टेक इज नॉट माई थिंग, मैं अगर ज्वाइन कर भी लू तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा उसको लॉन्ग टर्म में प्यार कर पाना उस जॉब को। तो बट हाँ, ये जरूर ऑप्शन था कि स्टार्टअप है तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप सीख सकते हो, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग थी या फिर डिजाइनिंग था, तो बहुत सारे लोग थे और छोटी टीम थी तो सब लोग सिखाने के लिए भी तैयार थे। सो यस, यॉर्कआउट पे हम सभी, मतलब यॉर्कआउट वाकई एक मतलब एक रेवोल्यूशन की तरह आया था जितने भी बडिंग राइटर्स हैं उनके लिए, एक अपने जो छोटे छोटे ख्याल हैं वो ऐसे बहुत ज्यादा शोज में ना जाके या कहीं इवेंट में ना जाके ऑडियंस तक पहुंचाने का, तो वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। और मैं
आपसे एक बात और भी जानना चाहूंगा कि यॉर्कोट पे जब मैंने आपको देखा था या आपके जो कुछ सेशंस देखे थे, खासकर एक आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था जो एक सीरीज चालू हुई थी शायद इंटरव्यू में की मरियम जी के साथ, मरियम सागल के साथ। हाँ जी हाँ जी, वो इंटरव्यू मैंने आपका और बाकी लोगों का भी देखे थे, तो उसमें आपने अपने बारे में काफी कुछ बताया था। और तो वो इंटरव्यू से लेके अभी तक का जो मैंने व्हाइट बर्ड ट्रेल्स के जो इंटरव्यू देखे हैं, उसमें पर्सनली मैंने एक यू नो इंक्रीजिंग ग्राफ ऑब्जर्व किया इन यू एज अ पर्सन, जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया एज अ एज एन यू नो ऑब्जर्वर और द फैन। तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाइट बर्ड ट्रेल्स पे आने का क्या, क्योंकि आपका जो पेन नेम था वो शुरू से ही व्हाइट बर्ड रहा लिखने के दौरान, और वहां से व्हाइट बर्ड आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा, तो व्हाइट बर्ड की मैं कहानी जानना चाहूंगा और व्हाइट बर्ड ट्रेल की कहानी जरूर जानना चाहूंगा। ओके, सो आपने जो ग्रोथ की बात की, मुझे लगता है कि ईच डे शुड बी अ डे कि आप जब अगले दिन उठो और खुद को देखो तो यू शुड बी सरप्राइज्ड कि यस देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, कि कल तो मैं ऐसा था आज मैं ऐसा हूँ, एंड दैट इज द काइंड ऑफ लाइफ वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू। एंड आई थिंक फॉर्चुनेटली मुझे उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज भी मिली और मुझे उस तरीके के लोग भी मिले। तो व्हाइट बर्ड ट्रेल्स का ऐसा ही है कि हाँ, मैंने जब शुरू किया था तो व्हाइट बर्ड इज माई पेन नेम, और वो भी इसलिए था क्योंकि मैं इंग्लिश में कविताएं लिखती थी एंड दिस वर्ड इज समथिंग जिसका मैं काफी अटैच्ड हूँ अभी भी। तो इस साल की स्टार्टिंग में प्री कोविड टाइम्स में जब हम थे, तो आई वांटेड टू डू समथिंग विथ माई ओन थिंकिंग पोएट्री साथ, बट मैं खुद को सोच, मतलब खुद प्रमोट करना इज समथिंग जो मुझसे नहीं हो पाता, बट देयर इज द फ्रेंड ऑफ माइन जिन्होंने मेरी हेल्प की, कुछ पोएट्री वीडियोस हमने साथ में शूट किए और उस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा था, बट वो काम रुक गया एक्चुअली कोरोना की वजह से। बट दैट फॉर्चुनेटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाइट बोर्ड टेल्स, क्योंकि मैं खुद भी पोएट्री पे काम कर रही थी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रेंड वी स्टार्टेड दिस वेंचर। दोस्त का नाम है अंकित तिवारी, तो मैं और अंकित साथ में ये वेंचर हमने स्टार्ट किया, एंड इट ऑल्सो स्टार्टेड बिकॉज ही पुश्ड मी कि तुम अगर कविताएं लिखती हो तो यू शुड बी टेकिंग वर्कशॉप, एंड तो वहां से वो शुरू हुआ और फॉर्चुनेटली लोग हमारे साथ जुड़ते गए और जिस तरीके के इवेंट्स हुए, और आई थिंक इट्स मोस्टली बिकॉज पीपल ट्रस्टेड अस, दे लाइक्ड अस व्हाट वी वर डूइंग। और सच कहूं तो आज से 6 महीने पहले मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि ये चीज यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी और इतना कुछ हो जाएगा। आई मीन टुडे वी आर स्टैंडिंग एट 101 इवेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 101 इवेंट्स करा दिए, एक फेस्ट करा दिया है, तो शायद बहुत हद तक आप कैसे लोगों के आसपास हैं ये मैटर करता है, आप कैसे सिचुएशंस में हैं, बिकॉज अगर कोविड नहीं होता तो भी ये वेंचर सोच पाना थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज हम लोग फिर सब कुछ ऑफलाइन ऑफलाइन सोच रहे होते हैं, वहां पे वो एक मनी फिगर आ जाता है क्वेश्चन मार्क में। तो सिचुएशंस, आपके फ्रेंड्स, आपके डिसीजंस, मुझे लगता है ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपकी लाइफ में आपके लिए टर्न्स लेती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। व्हाइट बर्ड ट्रेल्स के 101 एपिसोड्स के लिए रियली कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं इस जर्नी का पार्ट जितना मतलब कोशिश करता हूँ रह पाऊँ, मैं शुरू से तो नहीं बट हाँ बीच में कहीं ज्वाइन किया था कि कुछ सेशन मैंने अटेंड किए हैं, तो मुझे बहुत ही क्या होता है जब हम कोई लाइव सेशन है कोई ऐसा सेशन अटेंड करते हैं तो उसमें हमें काफी अच्छा लगता है, कुछ चीजें सीखने मिलती हैं, अच्छी बात है। बट व्हाइट बर्ड ट्रेल्स का मुझे पर्सनली काफी कुछ लर्निंग्स ज्यादा मिली, अपार्ट फ्रॉम ऐसा कि मैं इनसे मिल पा रहा हूँ, वो ठीक है वो एक मैटर करता है, बट मुझे उन सेशन से पर्सनली लर्निंग्स बहुत ज्यादा मिली हैं, एंड आई होप जितने लोगों ने और लोगों ने भी वो सेशन अटेंड किए होंगे उनको वो लर्निंग्स जरूर मिली होंगी, क्योंकि अलग अलग फील्ड में लोग आए उसमें, ना केवल राइटिंग में, डायरेक्शन में, स्टोरी टेलिंग में, स्टोरी राइटिंग में। तो अभी मैं चाहूंगा कि जितने भी अभी जूम कॉल पे हमारे मेंबर्स हैं, अगर उनके पास कोई क्वेश्चंस हैं
तो वो हाथ मतलब हैंड रेज कर सकते हैं जूम पर, या फिर डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं वो कृपया अपना वीडियो अगर ऑन कर सके तो बहुत बेहतर होगा, हम और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। नमस्ते सुप्रिया जी, मेरा नाम अनुज उपाध्याय है और अभी जैसे अभी बात छिड़ी कि कुछ नया शुरू करना है, तो वैसे ही कुछ नया हमारे शहर में भी शुरू हुआ। हमने डूडलपट बनाया, नए राइटर्स एक साथ जुड़े, लेकिन एक सवाल हमेशा मन में रहा कि वो पायदान क्या होने चाहिए जिससे मंजिल की तरफ बढ़ा जा सके, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सब लोगों का यू तो अलग रहता है, हर एक का अलग मोटिव रहता है। आपने जब शुरू किया तो आई एम श्योर आपका मोटिव बिल्कुल डिफरेंट रहा होगा जिस मोटिव से हमने व्हाइट बोर्ड ट्रेल शुरू किया। तो व्हाइट बोर्ड ट्रेल जब हमने शुरू किया था, हमारे जो को-फाउंडर हैं साथ में, उनके दिमाग में हमेशा से एक चीज थी कि जो लर्निंग है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, और लर्निंग हमेशा बहुत किताबी नहीं होती, और जो किताबी है वो हम सबके पास है, मतलब हम या तो किताब खरीद के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अभी तो वीडियोस आ चुकी हैं, बट व्हाट वी वांटेड टू रियली फोकस ऑन वो समथिंग फ्रॉम पीपल्स एक्सपीरियंस जो बहुत ज्यादा सामने नहीं आया। मतलब हम सबकी एक अलग लाइफ स्टोरी है, अगर आप ही अपने लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे तो उसमें से कम 10 चीजें होंगी जो मैं अपने साथ आज लेके जा सकूंगी। तो इसी तरह मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हम लोगों से क्या सीख रहे हैं। तो वी स्टार्टेड विद दैट मोटिव कि लोगों से सीखने के मोटिव के साथ हमने शुरू किया, अपने किसी मोटिव से शुरू किया होगा। और मुझे लगता है कि एक इनिशियल सीडिंग होती है जहां से हम शुरू करते हैं, जिस तरीके से एक पौधा होता है, हमारा फर्स्ट मोटिव ये रहता है कि हम एक बीज डालें और पौधा उगे। जब पौधा उगता है तो ये हम नहीं डिसाइड कर पाते उसके बाद कि कौन सा ब्रांच किस डायरेक्शन में जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स हाउ लाइफ इज कि हम लोग एक सीड डालते हैं, उसके बाद वो धीरे 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 अपने अपने ब्रांचेस लेता जाता है, एंड वहां से आप डिसाइड करते हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, उसका कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कौन सा नहीं करना है। अक्सर अगर आप पौधों का ही एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हम जिन झाड़ों पर कलियां लगी होती हैं उनको हम रखते हैं, और जब हमें लगता है कि इस डाल पे झाड़ी कलियां नहीं आ रही है उसको हम ट्रिम कर देते हैं इस उम्मीद में कि इस पे कलियां लगेंगी। तो लाइक लुक फॉरवर्ड टू समथिंग जो आपको उस टाइम फ्रूटफुल दिख रहा है, बट ऑल्सो कीप एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शन, बस और क्या क्या कर सकते हैं आप, इसका बेटरमेंट कैसे हो सकता है। एंड पर्सनली मुझे ये लगता है कि गो वन स्टेप एट अ टाइम, क्योंकि आप बहुत सोच लो लेकिन आप सारे रास्ते डिसाइड नहीं कर सकते हो। एक और मेरा सवाल ये है कि मतलब आई वाज क्लियर क्लोज टू व्हाट यू हैड सेड। एक सवाल और ये कि हम देखते हैं कि एक तरफ आज की डेट में हमारे पास अब दो कल्चर हैं, एक जगह वही कवि सम्मेलन जो हमारे रिवायती आ रहा है कि कवि आते हैं पढ़ते हैं ऐसा करके, और एक आता है ओपन माइक कल्चर जिसे कई हद में जो रिवायती लेखक हैं वो उस नजरिए से नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं कहीं खैर ऐसे हमारे सामने ऑप्शन भी आए कि कहीं कहीं फूहड़ता भी परोसी जा रही है ओपन माइक के थ्रू, लेकिन जो मैंने पर्सनली देखा कि एक फ्रेश कंटेंट, एक फ्रेश आइडिया जो रहता है वो कहीं ना कहीं हमें ओपन माइक के थ्रू सुनने मिल जाता है। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे देखती हैं, कवि सम्मेलन वाला स्टेज एंड ओपन माइक? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को पनपने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, और हम मतलब किसी की छोड़िए, हम कालिदास जैसे कवि की भी अगर हम बात करते हैं तो उनको इनिशियली
लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, नहीं लगता था कि ये क्या लिख रहा है। और फिर सिर्फ कालिदास की ही क्यों, जब हम किसी की भी बात करते हैं तो कोई भी किसी भी अगर आप बड़े पोएट की कहानी देखेंगे, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरनर हो, हर एक को स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है कि डेट में हो रहा है वो अच्छा ही लिख रहा है। लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगता है कि हम लोगों के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी को बोलें कि तुम ये करो या मत करो। अगर किसी को लगता है कि उसे कुछ कहना है, हाँ ऑब्वियसली वो एक समाज के दायरे में होना चाहिए। जैसे कि एरोटिका भी एक जॉनर है, लेकिन एरोटिका का मतलब ये नहीं है कि आप वल्गैरिटी पेश कर रहे हो। एरोटिका हैज टू बी समथिंग क्रिएटिव इन इटसेल्फ, और अगर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग तो मुझे लगता है कि वो गलत है। अगर एरोटिका को आप क्रिटिसाइज करो, बट एट द सेम टाइम अगर कोई वल्गैरिटी है देन आप अपनी खुद की पावर्स को मिसयूज कर रहे हो। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, कहाँ तक करने की, आपको उसे किस हद तक यूटिलाइज करना चाहिए। ऑन द सेम लाइन्स जो ओपन माइक के पोएट्स है, उनमें से डेफिनेटली बहुत लोग हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, जो आगे भी आ रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो एक्चुअली अच्छा भी कर रहे हैं और आगे नहीं भी आ रहे हैं। और उसी चीज पे अगर हम रिवायती जो कवि सम्मेलन है या मुशायरे हैं उनकी बात करें, उसमें भी कुछ लोग हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, जो अच्छा नहीं लिख रहे। तो मुझे लगता है कि ये चीज है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है और बहुत टाइम तक चलती आएगी। और मुझे लगता है कि, और बड़े बड़े शायरों ने ये खुद कहा भी है कि जीते जी किसी की लाइफ में ये डिसीजन हो ही नहीं सकता कि वो अच्छा कलाकार है कि नहीं। टाइम डिसाइड कर पाता है कि उसने जो लिखा है वो अच्छा है कि नहीं। क्योंकि आप किसी भी बड़े शायर को, किसी भी बड़े कवि को देख लीजिए, उनके समय में उनकी कविताओं को पसंद किया गया हो ऐसा बहुत कम। जी, आपने जो बात कही, ऐसे दुष्यंत कुमार के साथ भी मैंने ये बात देखी कि जब तक वो रहे उनको किसी भी प्रकार का कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया, और हालांकि अभी भी कुछ उनको इतना ज्यादा सम्मान नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। हमने कालिदास की बात करी, तो कालिदास के मेघदूत और कुमार समूहों में मैं देखता हूँ कि कामुकता काफी अच्छे तरीके से दिखाई है। मतलब स्पष्ट जैसा लिखा जाना चाहिए वैसा लिखा है, दायरे में रहकर, जो साहित्य का दायरा होता है उसको लांघा भी नहीं। लेकिन जितना स्पष्ट शायद कालिदास ने कहा, तुलसीदास को नहीं कर पाए जब उन्होंने रामचरितमानस में सीता और राम के बीच ऐसा कुछ दिखाने का सोचा, सौंदर्य दिखाया या दिखाया, तो वो उतना ज्यादा बोल्ड नहीं हो पाए, जो एक लेटर यूज़ है बोल्ड। लेकिन कालिदास ने काफी बोल्ड होके शंकर पार्वती के दिखाया। मेघदूत में उन्होंने जो यक्ष था, यक्ष और उसकी पत्नी के बीच भी काफी अच्छे संबंध दिखाए। लेकिन हम आज की डेट में देखते हैं कि इंग्लिश में तो ये चीज अभी एक्सेप्टेबल है कि लोग कामुकता लिख देते हैं और बहुत ज्यादा बोल्ड होके लिख देते हैं, वो फ्रीडम एक रहती है कि उनपे ज्यादा आपत्ति नहीं उठाई जाती। लेकिन हिंदी में कहीं ना कहीं ये चीज पिछड़ रही है, तो इस बारे में आप क्या? देखिए, फिर पता नहीं मेरा यहाँ कहना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन तो भी मैं अपने अपने ख्याल जरूर पेश करूंगी यहाँ पे कि मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये एक पॉलिटिकल और सोशल प्रोपेगेंडा है। आज के डेट में अगर आप कुछ नॉर्मल सी बात करें तो लोग उसको हमारे संस्कारों पर उंगली उठाना कहने लग जाते हैं, जबकि ये सच नहीं है। जिन्हें अगर सच में भारतीय संस्कार का ज्ञान होगा तो वो जानेंगे कि ऐसे बहुत सारे साहित्य हैं जिसमें इस तरीके के संबंधों का बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये जरूर, बिकॉज ये चीज बहुत समय से चलती आ रही है कि लोगों ने दबा बनाने के लिए, अपना अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए, वो इसी तरीके से शायद रहा होगा कि क्योंकि जब हम देखते हैं तो वो बहुत इनरूटेड चीज है। तो जिन्होंने सच में पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, या जिन्होंने सच में साहित्य पढ़ा है, उन्हें मालूम होगा कि जैसे मतलब ये सारी बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। आप मंदिरों के सामने इस तरीके के मूर्तियां मिलेंगे, मैं भूल रही हूँ नाम, तो मतलब ये बहुत कॉमन चीज है, हमारे संस्कार में बहुत पहले से है। तो उसको आप बहुत मॉडिफाई करके, मुझे लगता है घुसाई गई है संस्कारों के नाम पे, बट
एक्चुअल लेना देना कुछ नहीं है. या दैट्स व्हाट आई थिंक. आपने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह से एग्रीमेंट करता हूँ. और क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने गौरव भैया से ये बात भी सुनी थी कि लोग चाहते हैं कि आपके अंदर आपको वो दबा के रखें, और आपको वो दबा के बस इसलिए रख पाते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं. अगर आपके पास नॉलेज होगा, आपको प्रॉपर पता होगा कि वाकई में लिखा गया है, वाकई में इस तरह की कलम भी उठाई है किसी ने, वाकई में कोई इतना बोल्ड भी हुआ है हिंदी में, तो शायद उनके अंदर ये डाउट नहीं आएंगे कि मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या कोई सवाल उठा सकता है. तो मुझे आपका जवाब अच्छा लगा और बस मेरे पास यही सवाल थे. थैंक यू. अगर किसी और के कोई और भी सवाल हैं तो वो जरूर पूछ सकता है. अदरवाइज मेरे पास एक सवाल जरूर है कि दीदी आपकी एक कविता थी लाइसेंस जो मंटू पर आधारित थी जी. वो कविता मुझे मैंने कई बार कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सुनी, आपके पर्सनल हैंडल पर भी देखी, सुनी, पढ़ी. और उसकी एक खास बात यह भी मैंने देख नोटिस की कि वो खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने भी यॉर्कोट के प्लेटफॉर्म पर रिसाइट की थी, और वो बहुत ही खूबसूरती से रिसाइट की थी. तो मैं उस कविता के पीछे की कहानी जानना चाहूंगा, आपका क्या परसेप्शन रहा मंटो का, और साथ ही साथ वो कविता अगर मैं सभी इस समय सुन सके तो बहुत बेहतर. हाँ बिल्कुल, कविता तो मैं जरूर सुना लूंगी, लेकिन ऐसा है कि उसके पीछे का परसेप्शन समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फॉर्चुनेटली वो वक्त ऐसा था कि मैं मंटो को ही पढ़ रही थी, और दुर्भाग्यवश ये है कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है तो मैं हिंदी में पढ़ रही थी. लेकिन मैंने हिंदी में भी जितना उनको पढ़ा, ये जाना कि उनकी एक एक कहानी ऐसी है कि आप किताब बंद करने के बाद बहुत देर तक सोचते रह जाओगे कि इसने क्या लिखा और कैसे लिखा है. मतलब वो कहानियां रह जाती हैं हमारे साथ, खासकर जब मैंने उनकी कहानी खोल दो पढ़ी थी, और इसी तरीके की बहुत सारी कहानियां. तो मैं सच कहूं हर्ष, तो ऐसा है कि ये कहानी कविता बस आ गई है, इसके पीछे का ऐसा कुछ बैकग्राउंड बहुत नहीं है. मैं मंटो को पढ़ रही थी और उनकी एक कविता है लाइसेंस, जिसमें खैर अगर मैं कहानी बता दूंगी तो फिर उसको पढ़ने वालों का मजा नहीं रह जाएगा, लेकिन लाइसेंस से रिलेटेड कहानी है कि कैसे जब एक औरत कुछ खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती है तो समाज उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता, और वो चीज मेरे अंदर बहुत जहन में थी. और इसी तरीके की बहुत सारी बातें उनकी अलग अलग कहानियों में मैंने देखी. तो जब ये बताया गया कि नवाज साहब आ रहे हैं मंटो के प्रमोशन के लिए, तो मुझे भी कहा गया कि एक ऐसी कविता लिखी जाए. और मुझे लगता है कि सबसे फास्टेस्ट कविताओं में से वो एक कविता है, और उसका एक रीजन ये भी है कि मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, तो उन्हीं कहानियों को अपनी भावनाओं में तोड़ मरोड़ के मैंने एक कविता के रूप में पिरोया है. और जिस तरीके से आपने कहा कि मैं कविता पढ़ी तो जरूर पढ़ूंगी. कविता का शीर्षक है लाइसेंस. कविता कुछ ऐसा है कि मैंने मांगा था लाइसेंस, अपनी कविताओं को टांगा बना इस समाज में चलाने का, चाहती थी भावनाओं को पहुंचाना उनकी मंजिल तक, मगर मेरी अर्जी खारिज कर दी गई. मैंने विरोध जाहिर करने के लिए पहली काली समीज, मैचिंग काली सलवार, मगर नहीं ओढ़ा कोई दुपट्टा, उठा लिया मोर्चा मैंने अकेले ही, जुलूस जमता गया मेरे चारों ओर, मैं बैठी रही बांचती रही कविताएं दो कौमों की, तवायफों की और सज्जनों की. मुझसे पूछा गया मेरे सड़क के किनारे बैठने का सबब, और ये भी कि मैंने बुरका क्यों नहीं पहना, और ये भी कि टोबा टेक सिंह कहाँ है. खुदा की कसम मेरे पास जवाब में कहने को कुछ नहीं था, लिखने को बस कविताएं. दिन सप्ताह बरस बीतते चले गए, तड़कती बारिश भड़कती धूप में मैं बैठी रही, और बैठी रही भीड़,
तमाशा खत्म करने को फेंके गए ऊपर से कई फरमान, टूटी किसी की पिंडली किसी की रीढ़, मारे गए सारे उल्लू के पट्टे, मैं फिर भी बैठी रही बाँचती रही कविताएं। दिन सप्ताह बरस सड़ते समाज से आने लगी थी बू किसी घाटन लौंडिया सी, फिर उतार दी गई एक गोली मेरे सीने में, मेरा ठंडा गोश्त छूकर वो समझे कि हो गया है मेरी बादशाहत का खात्मा। मैंने आंख बंद करने से पहले एक आखिरी दफा कहा, खोल दो। बहुत ही अच्छी, और आखिरी में जब वो खोल दो शब्द का जिस तरीके से वो जिस्ट आना चाहिए, वाकई गूज़बम्स जो आने चाहिए वो मुझे तो वाकई आए, और आई होप जितने लोग ये सुन पा रहे हैं उनने भी वही फील किया होगा। ये कविता मैंने कई बार सुनी है और कई बार पढ़ी है, मुझे सेम जो अभी फील आया वही हर बार मुझे वो फील कर पाया हूँ मैं। और मंटो को जितना मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, और मंटो के ऊपर जो मूवी है कास्टिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो भी मैंने देखी है, तो उस उन बेसिस पर उन ग्राउंड्स पे मैं इस कविता को काफी हद तक समझ पाया फील कर पाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये कविता सुनाने के लिए और इसके पीछे का जो भी कहानी थी वो हम सबको बताने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी और के पास कोई सवाल है, अगर मन में कोई सवाल आ रहा है जो पूछा जा सकता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हर्ष, आई थिंक उनका वो हाँ लेफ्ट हो गए शायद, एक सेकंड मैं देखता हूँ। हाँ ये 10 लोग आए हैं आपके 12 की जगह। और दूसरी बात, शेयर कराओ, लाइक क्यों मट गए? कौन मटा लाइक? ये देखो रेडर क्यों नहीं है, क्योंकि अब है नहीं लाइक। तो जब तक सुप्रिया जी वापस से ज्वाइन हो रही हैं, उनकी एक कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सुनिएगा। मैंने ये कविता एक पेज है उस पर पढ़ी थी, और रिसेंटली हम जब थोड़ा रिसर्च कर रहे थे तो फिर से मैंने पढ़ी, हम और हर्ष थोड़ा इस कविता को डिस्कस भी कर रहे थे। कविता कुछ ऐसी है कि मुझे लिखना उस कविता की तरह है जो तुमने बहुत पढ़ने के बाद लिखी हो, मुझे लिखना उस कविता की तरह है जो तुमने बहुत पढ़ने के बाद लिखी हो, मुझे पढ़ना उस कविता की तरह जो तुमने एक अरसे के बाद लिखी हो, मुझे कहना उस कविता की तरह जो तुम्हारे पसंदीदा कवि की खास रचना हो, मुझे सुनना उस कविता की तरह जो तुम्हें अपने दिल के सबसे पास रखना, मुझे भूल जाना उस कविता की तरह जो तुम्हें कभी समझ ही ना आई हो, मुझे याद रखना उस कविता की तरह जो तुमने अपनी प्रेसी को सुनाई, ये उन्होंने परफॉर्म भी करी थी ना, मैंने भी सुनी थी। कविता भी हम आपकी कविता पढ़ रहे थे जी, माफ कीजिएगा नेटवर्क का थोड़ा इशू है और आप में से किसी की तरफ से बहुत आवाज या बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। राधिका शायद तुम्हारे वहां से बहुत नॉइज आ रहा है। या तो सॉरी, इधर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, इट्स ऑल राइट। शायद अभी आप मुझे ठीक से सुन पा रहे होंगे। तो सुप्रिया जी, मैं ऋतिक जैन हूँ, मैं सागर से ही हूँ, रूलिंग वर्ड्स का एक मेंबर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि या हाय, तो आप कंटेंट क्रिएटर जो है उसके तौर पे आपने वर्क किया है, आप असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी आपने वर्क किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिल्मी दुनिया का जो लेखन होता है, तो अगर कोई व्यक्ति जैसे हम में से कोई चाहे कि फिल्मी दुनिया के लेखन में वो अपने जो कैरियर है उसको अगर अप्रोच करना चाहता है, तो हमें कैसे कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? बिकॉज लगभग 23-24 की एज में अगर कोई सोचता है तो स्टेप्स क्या होने चाहिए कि वो उसी दिशा में आगे बढ़ते जाए और उसको सही मार्गदर्शन कैसे मिले उस फील्ड में। हाँ,
सो देखो हर हर चीज की तरह इसका भी एक ऐसा जवाब नहीं है जो एप्लीकेबल टू ऑल हो, क्योंकि हर इंसान बहुत अलग अलग फील्ड से आता है, बहुत अलग अलग नॉलेज के साथ आता है, बहुत अलग अलग क्रिएटिविटी लेवल के साथ आता है। और हम फिल्मों की भी बात करें तो फिल्में भी बहुत अलग अलग तरीके की बनती हैं। तो पहले तो जो राइटर है अगर वो श्योर है कि उसको फिल्म ही बनानी है, मतलब क्योंकि राइटिंग भी बहुत सारी तरीके की होती है, आप नॉवेल्स लिख सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, बट देन इफ यू आर वेरी वेरी श्योर कि आपको फिल्म ही बनानी है तो उसके सबसे बड़ी चीज है कि आप रिसर्च कीजिए, आप ये पता कीजिए कि आप कहाँ पे हैं एग्जैक्टली उस समय पे और आपको कितने प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका क्रिएटिविटी लेवल और डेडिकेशन, क्योंकि अगर सच बात यह कि आपके पास बहुत पैसा है तो आई थिंक अगर इफ यू आर नॉट वेरी क्रिएटिव विथ योर वर्क तो भी अगर आपके पास बैकअप है पैसे का तो हो सकता है आपकी बन जाए। और कभी कभी आपकी फिल्म का जो है कहानी जो बहुत अच्छी है बस बनाने के लिए है तो शायद ना बने, सिचुएशन ऐसे भी होती है बहुत अच्छी है बनाना चाहते हैं तो आप मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेरी आवाज आती तो मैम एक्चुअली वो नहीं है मैम नेटवर्क एरर आ रहा है। वो फिर से लेफ्ट हुई है शायद। या एक आध कविता और पढ़ लो। कुछ नेटवर्क इशू की वजह से सुप्रिया जी अभी कनेक्टेड नहीं है इस मीट में। टू ऑल द एफबी यूजर्स अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं आंसर्स को सुनने के बाद, सो प्लीज आप कमेंट में मेंशन करते जाइए, हम जरूर उन्हें सुप्रिया जी से पूछेंगे। सेशन अभी थोड़ा और वक्त चलेगा एंड या सो इंटरनेट इज रियली टॉर्चरिंग मी, आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट दिस। या इट्स ऑल राइट मैम। या तो ऋतिक कहां तक सुन पाए थे आप? आप बता रही थी कि उसका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है एंड वहां से कैरी ऑन कर रहे थे। डेडिकेशन, हाँ डेडिकेशन और क्रिएटिविटी दोनों जरूरी है। तो आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट ना लिखी हो लेकिन आपके पास, एंड प्लीज मेरी आवाज रुके तो मुझे बता दीजिएगा, तो ऐसा भी बहुत, आप ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि हो सकता है आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी ना हो बट आपके पास प्रोडक्शन हाउसेस का और मनी बैकअप है तो आप फिल्म बन जाए। लेकिन यू हैव टू नो कि आपको किस तरीके की फिल्म बनानी है, क्योंकि इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड स्क्रिप्ट यू नीड टू वर्क ऑन इट। लोग कितने कितने साल तक काम करते हैं, राइटिंग इज ऑल अबाउट री राइटिंग, तो आप उसको पढ़िए, अपने दोस्तों से पढ़वाइए, उनसे पूछिए कि क्या उनको कुछ डिफरेंट एलिमेंट दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि आप उस कहानी के थ्रू जो कन्वे करना चाहते हैं, जो स्टोरी सामने लाना चाहते हैं, वो आप एक्चुअली उसमें दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आपके दिमाग में कुछ रहेगा उस चीज का कोई मतलब नहीं है। अगर उसकी फिल्म बन रही है तो वो सारी चीजें हैज टू बी ऑन पेपर, बिकॉज उस पेपर में से वो डायरेक्टर लेके उस फिल्म को बनाएगा।
चाहे वो आप डायरेक्ट करें या कोई भी डायरेक्ट करे, तो मुझे लगता है कि ये क्लियरिटी होना कि आप दिखाना क्या चाहते हैं और फिर उसके लिए काम करना. अब इसके लिए फिल्म स्कूल्स भी हैं, इसके लिए प्रैक्टिस भी है, इसके लिए वर्कशॉप्स भी हैं, इसके लिए आप खुद बहुत सारी फिल्में देखिए, स्क्रिप्ट्स पढ़िए, उन्हें रिव्यू कीजिए, जानिए कि जो फिल्म्स अच्छी हैं वो क्यों अच्छी हैं और जो नहीं अच्छी हैं वो क्यों नहीं अच्छी हैं, इस बारे में उन दोस्तों से बात कीजिए. तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ चीज डिसाइड करेंगे और उस फील्ड में काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे रास्ते दिखते चले जाते हैं. बट द फर्स्ट थिंग टू बी श्योर इज कि यू हैव टू क्रिएटिव इन योर हेड एंड वेरी 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 डेडिकेटेड अबाउट इट. आपका पॉइंट समझा, थैंक यू वेरी मच. एंड मैं चाहूंगा कि दूसरे लोग भी प्रश्न करें आप, सो थैंक यू. ग्रुप में जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं मतलब जूम में, तो वो भी अपने प्रश्न जो भी आपके दिमाग में कोई अगर सवाल आता है तो आप प्लीज रख सकते हैं. फिलहाल मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि दीदी आपने व्हाइट बर्ड टेल पे एक और सीरीज चालू की थी एक समय पे शायद किताबनामा, जो बुक रिव्यूज के से रिलेटेड थी. आपने किताब का रिव्यू दिया भी था उसमें, वो मैंने देखा था जी. तो हम उस सीरीज के बारे में मैं पर्सनली जानना चाहूंगा कि वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अभी उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वीडियो उसके नहीं देख पाया, मुझे नहीं मिल पाए टू बी ऑनेस्ट. तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप कुछ बताएं. ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है. तो ये जो सीरीज थी वो बहुत पर्सनल सीरीज थी. इस सीरीज पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी बहुत ज्यादा काम भी नहीं कर पाए हैं बिकॉज इट बिकेम अ लॉट अबाउट फिल्म्स. बट हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं वापस लिटरेचर पे आने के लिए. तो वो फिल्म का वो सीरीज समहाउ अभी इकोज ऑफ वर्ड्समिथ के रूप में आ गया है, जिसमें हम लोग दूसरे लेखकों के बारे में बात करते हैं, लेखक, राइटर्स, पोएट्स, इन सारे लोगों जो लिटरेचर रिलेटेड लोग हैं उनके बारे में हम अभी इस सीरीज पे इकोज ऑफ वर्ड्समिथ पे बात करते हैं. बट हाँ, जो किताबनामा था उसका एक्चुअली एक ही एपिसोड हुआ है जो मैंने अभी किया था, मानस का हंस. और मैंने सोचा था कि मैं और किताबें पढ़ूंगी और उनका रिव्यू करूंगी या फिर और लोगों को बुलाऊंगी. बट हुआ क्या कि मैंने उसके बाद जो किताबें पढ़ी, मुझे लगता है कि उनसे मुझे वो उनमें वो जान नहीं मिली मुझे जो मानस का हंस में मिली. बिकॉज वो एक किताब है जिसको मैं एक पूरी कहानी की तरह सामने वाले को सुना सकती हूँ, जैसा कि मैंने उस वीडियो में सुनाया है. उसके बाद भी मैंने कई किताबें पढ़ी, जिसमें एक किताब है खंजर नयन जो सूरदास जी के जीवनी के बारे में है, जो सेम राइटर अमृतलाल नागर जी द्वारा ही लिखी गई है. या फिर एक किताब जो मैं हाल में पढ़ रही हूँ, काशी का अस्सी, वो भी मैंने लगभग खत्म कर दी है. लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज जो मुझे उस पर्टिकुलर किताब में मिली वो मुझे उसके बाद मिली नहीं. बट अभी सिंस आप इस पॉइंट को लेके आए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको वापस से लाइव करूं, और अगर मैं नहीं भी पढ़ रही हूँ तो दूसरे ऐसे लोगों को बुलाऊं जिन्होंने कुछ अच्छी किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों के बारे में हमें बता सके. जी बिल्कुल, मैं वो सेशन, वो मैंने वीडियो देखा था, तो मैं वाकई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इस सीरीज में आगे और वीडियोस आएंगे तो एक एडवांटेज उसका ये रहेगा कि अगर वो किताब किसी ने नहीं भी पढ़ी है या नहीं, जो लोग नहीं पढ़ते हैं ज्यादातर ऐसे फ्रिक्वेंटली, तो एटलीस्ट उनको उसका जिस्ट मिल पाए, वो उससे कुछ सीख पाए, और अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको एक अलग एंगल मिल सके. क्योंकि आई होप, मतलब मेरे हिसाब से मेरा जितना एक्सपीरियंस अभी तक रहा है किताबों के मामले में, कि मैंने उस किताब को जिस तरह से पढ़ा है दूसरा आदमी उसको अलग तरीके से ही पढ़ता है. ऑब्वियसली बहुत कम होते हैं कि मेरा सेल, किताबों की खासियत रहती है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किताबों की मुझे भी लगता है कि एक खासियत रहती है कि वो हर इंसान के लिए एक अलग दुनिया बनाती है. आप
जिस चीज को आप येलो इमेजिन करेंगे उसे कोई और शायद ग्रीन इमेजिन कर रहा हो. सो यस, बट थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक. मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि हम सीरीज को वापस लाइव कर पाए और किताबों के बारे में बातचीत कर पाए. और किताबों की जो बात आई है तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया है कि अभी भी एक मतलब राइटर शब्द जो हम जब जनरली सुनते हैं या जब बचपन में जब मैं राइटर सुनता था या लेखक शब्द जो जनरली लोग सुनते थे तो उनके दिमाग में आता था कि इसने किताब जरूर लिखी होगी या कोई किताब लिख दे तभी वो लेखक कहलाएगा. ऐसा एक मेनस्ट्रीम परसेप्शन जरूर रहा है लोगों का. अब काफी हद तक वो बदल रहा है क्योंकि राइटर एक बहुत ही डाइवर्स पर्सनालिटी है. वो केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गया है, उसके अलग अलग मीडियम्स आ गए हैं. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एज अ राइटर खुद की किताब होना, चाहे वो कहानी के मतलब कहानी हो, नॉवेल हो या संग्रह हो कविताओं का, कहानियों का, या आजकल तो एंथोलॉजीज भी आने लगी हैं तो उसमें कोट्स भी डाल रहे हैं लोग, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा. और एक और इसी से जुड़ा सवाल मैंने इसी थ्रेड में फॉलो है कि कोट्स जो जनरली लोग स्टार्टिंग में कोट्स कोटेशंस लिखते हैं, कोट्स लिखते हैं, तो उसको राइटिंग के पैदान पे या राइटिंग के ग्राउंड्स में कहां तक हम देख सकते हैं, मतलब कोट्स राइटिंग को मेनस्ट्रीम राइटिंग में. ओके, तो देखिए लिटरल सेंस में देखा जाए तो एवरी फॉर्म ऑफ राइटिंग इज राइटिंग. सो मुझे लगता है कोट्स भी वो फॉर्म है क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा भी कुछ लिख रहे हैं तो भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है उसमें से एक दो लाइन्स हमें याद रहती है तो भी कोट्स के फॉर्म में रहती है. तो आई थिंक कोट्स लिखना इज मुझे लगता है ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा ही है. या लोगों ने शेर कहे हैं तो शेर जो हमें थोड़ा लिटरल लगता है, शेर की जगह अगर हम उसको बस नॉर्मल स्टेटमेंट कह दें तो वो कोट हो जाता है. तो आई थिंक दैट्स फाइन. और किताबों के बारे में आपका जो पहला सवाल था किताबों के बारे में, तो मुझे लगता है लिखने की जरूरत इंसानों को सबसे पहले इसलिए पड़ी थी क्योंकि आपने आज जो किया, आपने आज जो कहा, उसको कल बताने वाला और कोई तरीका नहीं है. आज जिन लोगों ने देखा लेकिन कल वो कोई कैसे जानेगा, तो आपने जो किया उसको रखने के लिए वो किताबें जरूरी थी. और बट अभी ऐसा है कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट हो गई है. मान लीजिए मैं किताब नहीं भी लिखती हूँ तो मेरे गूगल कोट्स इतने ज्यादा है या मेरा फेसबुक पोस्ट इतना ज्यादा है कि मेरे मरने के बाद लोगों को पता रहेगा कि मैंने फेसबुक वॉल पे ये पोस्ट किया था. तो इट्स मोर लाइक दैट. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी उस हद तक जरूरत नहीं है किताब पब्लिश कराने की. बट जैसे कि वो स्टीरियोटाइप से आ रहा है कि जिसने किताब पब्लिश करा दी वही लेखक है, तो स्टीरियोटाइप पे कायम रहने के लिए बहुत सारे लोग कविताएं की अपनी एंथोलॉजीज छपवा देते हैं या किताबें छपवा देते हैं. बट मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, बिकॉज इट्स एट द एंड इट्स अ संकलन ऑफ योर राइटअप्स. तो वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप ब्लॉग्स पे कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो. और जो करा रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं बिकॉज उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. जी बिल्कुल, मुझे आपका मतलब वो आंसर एकदम सही लगा. और किताबें, एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि एक बार कहीं एक किसी सेशन में ये बात हुई थी शायद साहित्य अकादमी में या कहीं पर, कि प्रेमचंद को लेके कोई डिस्कशन छेड़ा था तो उसमें अशोक अजमानी जी एक होशंगाबाद से एक कहानीकार हैं, उन्होंने एक सवाल किया था हम मतलब ऑडियंस से, मैं उस समय ऑडियंस में था, तो एक सवाल किया गया था कि प्रेमचंद के समय पे प्रेमचंद ने अचानक से जब मतलब आजादी का मतलब चल रहा था कि आजादी मिलने की और उसके लिए लोग लड़ रहे थे भारत में, उस समय पे पहले शुरुआत में प्रेमचंद ने आजादी के बारे में काफी कुछ लिखा, उसके बाद अचानक से लाइक आउट ऑफ नो ब्लूज ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट किसान एंड देयर लाइव्स, अबाउट देयर स्ट्रगल. तो ये सवाल उठा था कि उन्होंने उसके बारे में क्यों लिखना चालू कर दिया, जबकि उस समय पे देखा जाए तत्कालीन तो देखा जाए तो रिवोल्यूशन था कि यानी आजादी चाहिए है, अंग्रेजों के खिलाफ लिखना और इनकलाब के नारे लगना. इस बीच में अचानक से किसान का टॉपिक लाना प्रेमचंद को क्यों सही लगा वो उस बारे में चर्चा हुई थी. तो अभी के बारे में अगर मैं
देखता हूँ राइटर्स के बारे में, तो आज की जैसे जैसे कि आपने कहा कि बुक्स एक मीडियम थी कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ उसको मैं मेरे जाने के बाद या किसी भी लेखक के जाने के बाद उसको पढ़ा जाए या उसकी हिस्ट्री उस बुक के थ्रू पता चल जाए, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज की डेट में जो राइटर्स हैं और जो अभी चल रहा है हमारे करंट अफेयर्स जो हैं, उस बारे में लिखना कितना जरूरी है एज अ राइटर, हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे आज के समाज के बारे में लिखना और हमारे आसपास जो आज हो रहा है, क्योंकि आज जो हो रहा है वो 20 साल बाद बताने के लिए हमें आज के बारे में लिखना होगा, क्योंकि खासकर अभी जो पैंडेमिक है इस बारे में जो बहुत ही संजीदा मामले में जो लिखना पड़ेगा आज के लेखकों को, जो युवा लेखक हैं उनको आज के बारे में लिखना पड़ेगा, तब जाके 20 साल बाद एक 20 साल पहले चलेगी लोगों को, उसके बारे में आप प्लीज बता दीजिए। जी, तो सबसे पहले तो प्रेमचंद के साथ तो बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई थी, अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो उन्होंने अपने 2-3 बार नाम चेंज किए थे, उनके पीछे बहुत ज्यादा पुलिस वगैरह पड़ गई थी, केसेस होने लगे थे, उन सबसे बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये सब छोड़ के वो लिखना चाहते थे, तो उनका जो रियल जो एसेंस है वो उनके बाद की रचनाओं में मिलता है जितना उनके इनिशियल रचनाओं में नहीं मिलता। तो मुझे लगता है वो इसलिए आ पाया क्योंकि उन्होंने फिर वो लिखना शुरू किया जो उन्होंने एक्चुअली फील किया, बहुत ज्यादा डीपली फील किया। तो पार्टीशन के बारे में उन्होंने शायद इसलिए लिखा होगा क्योंकि पार्टीशन के दौर से वो गुजर रहे थे, तो उनको वो चीजें कहीं ना कहीं खली होंगी। तो मेरा देश बट रहा है ये मेरे लिए दुख की बात है, लेकिन उससे ज्यादा शायद मैं इसलिए दुखी होंगी क्योंकि मेरे पड़ोसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो मुझे को लगता है कि वो ज्यादा क्लोज फीलिंग्स अटैच रही होंगी उनके साथ एक एज अ ह्यूमन बींग, हो सकता है इसलिए वो उनके लिखावट में बदलाव आया हो। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि हमारी कितनी जिम्मेदारी बनती है, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक लेखक होने के नाते बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एट द सेम टाइम आप जो महसूस करते हो वो शायद मैं ना करूं या मैं जो करती हूँ वो कोई तीसरा ना करे, तो किसी को फोर्स करना कि बिकॉज अभी ये पॉलिटिकल टाइम्स चल रहे हैं यू शुड राइट ऑन दिस, आई थिंक दैट्स नॉट राइट, क्योंकि उसकी सिर्फ पॉलिटिकल जिम्मेदारियां नहीं है, उसकी सोशल जिम्मेदारियां भी हैं, उसकी एज एन इंडिविजुअल जिम्मेदारियां भी हैं, एज अ राइटर भी जिम्मेदारियां, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप जिस चीज को जिस तरीके से देखेंगे उस चीज को मैं उस तरीके से नहीं देखूंगी। तो मुझे लगता है कि लिखा जाना चाहिए, जरूर लिखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में लोगों को पता चले कि आज की लिखावट कैसी थी, लेकिन फिर इसको बहुत ज्यादा बाध्य नहीं कर देना चाहिए, मतलब लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए टू चूज की व्हाट दे वांट टू राइट अबाउट एंड व्हाट नॉट। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और किसी और के पास अगर कोई भी प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। सुप्रिया जी, आपने रेखता में भी परफॉर्म किया है रिसेंटली, So, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? बिकॉज़ आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टोरी टेलर्स पहली बार रेखता में ऐसे मतलब बुलाए गए थे, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप आज के समय में जो लेखक लेखन चल रहा है, जो इतने आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके नजरिए में से 3 से 5 लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम जैसे लोगों को मतलब उनके काम पर थोड़ा नजर रखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रेखता का तो डेफिनेटली काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, इसमें तो कोई शक नहीं है, और हम सब उसको एक मंच की तरह देखते हैं जहां से हम लोग उन लोगों को जान पाते हैं जिन्हें शायद जो अब तक उस लाइमलाइट में नहीं थे, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा काम कर रहा है युवा कवियों को, युवा शायरों को एक मंच पे बुलाने का। और हाँ, स्टोरी टेलर्स आए थे, तो आई थिंक अच्छी चीज है कि आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, और वो लोग जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए सीखने के लिए, तो यूं तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब हिंदी कवित्रियों में मैं कहूँ तो बाबूषा कोहली को मैं बहुत गौर से पढ़ती हूँ क्योंकि उनकी रचनाएं मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत सटीक, छोटा और टू द पॉइंट लिखती हैं वो। एट द सेम टाइम लवी गोस्वामी एक राइटर है बैंगलोर से, वो भी इसी तरीके की रचनाएं करती है, जिनकी जो कविताएं होती हैं वो बहुत सिंपल, सटीक और आपको छू जाने वाली होती हैं।
शायरों की मैं बात करूं तो मुझे आशु मिश्रा एक है शायर, उनकी रचनाएं मुझे बहुत पसंद है। जोशना बैनर्जी है, वो बहुत अच्छा लिखती है। उनकी भी मतलब, क्योंकि मैं खुद छंदमुक्त कविताएं लिखती हूँ तो मुझे इस तरीके की रचनाएं ज्यादा पसंद आती हैं। जोशना बैनर्जी है, फिर पल्लव मिश्रा की कुछ रचनाएं हैं जो मुझे पसंद है, वरुण आनंद जी की कविताएं हैं जो मुझे पसंद है। तो मुझे लगता है आप क्योंकि मैं शायद जो कहूँ मेरा टेस्ट बहुत अलग होगा, तो आप खुद 10 लोगों को पढ़िए, उनमें से 5 लोग जो आपको कनेक्ट कर पाते हो उनको फिर आप शायद खुद ही धीरे धीरे कनेक्ट कर लेंगे, जस्ट डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, आपका जॉनर क्या है, आपका राइटिंग स्टाइल क्या है। तो मेरे पास एक सवाल और है, अगर पूछ सकूं तो। जी 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 अनुज कहिए। हर्ष ने भी जो बात कही पहले तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि 20 साल बाद आपको याद रखा जाएगा करके। उस पर गुलजार की एक लाइन बड़ी अच्छी थी कि आप आज के इतिहास हो, आपने आज को बखूबी लिखा है, शायद कल लोग पढ़ना सीख जाए। तो सवाल अच्छा लगा। मेरा सवाल है कि आपने अभी मानस का हंस का टॉपिक छेड़ा, तो एक ब्रीफ उस बुक के बारे में, क्योंकि मैंने वो सेशन नहीं देखा है और मैंने बुक का नाम भी आज पहली बार सुना, क्योंकि चूक जाती हैं कई किताबें हमारी नजरों में नहीं आ पाती हैं, आपको कोई सजेस्ट नहीं कर पाता है, तो जरूरी नहीं है कि आपने सब पढ़ा हो, लेकिन आपने अगर वो किताब पढ़ी है, आपने उसका एपिसोड डाला है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मानस का हंस के बारे में बताएं। जरूर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि खजाना भरा पड़ा है साहित्य का और किताबों का, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी की लिखी हुई किताब है। अमृतलाल नागर जी अभी हाल ही के लेखक हैं और उनकी कई सारी किताबें, जो 3 जो मैंने पढ़ी हैं उनमें से मानस का हंस जो मेरी अभी तक की सबसे पसंदीदा रही है, फिर खंजर नयन जो सूरदास की कहानी के ऊपर है, और ये सुहाग के नूपुर एक और किताब है जो मुझे पढ़नी है अभी। तो मानस का हंस जो कहानी है वो तुलसीदास जी की जीवनी को, सो इट्स अ फिक्शनल बायोग्राफी। फिक्शनल बायोग्राफी क्योंकि वो प्रॉपर बायोग्राफी नहीं है, वो ये क्लेम नहीं करते कि मैंने जो लिखा है वो प्रॉपर सच है। उन्होंने जहां तहां से किंवदंतियों को सुनते हुए एक कहानी के रूप में उसको लिखा है, तो उसको सच्चाई के करीब है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है ऐसा वो खुद कहते हैं। तो कहानी तुलसीदास जी के बारे में है। इम्प्रेसिव मुझे इसलिए भी बहुत ज्यादा लगी क्योंकि उसको जिस तरीके से लिखा गया है आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो उनके बचपन से उसको जोड़ते हुए। सो जर्नी वहां शुरू होती है जहाँ पे उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है और तुलसीदास जी उनसे मिलने जाते हैं, कहानी वहां से शुरू होती है, और वहां से फिर आपको साथ साथ उनके प्रेजेंट टाइम में और उनके पास्ट में अलग अलग इंसिडेंट्स के साथ साथ होते हुए आपको बताते चलती है कि उनका नाम कैसे पड़ा, उनके पिता कौन थे, उनका गांव कौन सा था, और वो अभी फिलहाल कहाँ है, उन्होंने कौन सी टाइप की प्रॉब्लम्स झेली। किताब के बारे में हाँ, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं मुझे एक वो फिल्म वाला रेफरेंस भी आया, जिसको आप चाहें तो पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक फिल्म देख रहे हो उस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। तो मतलब अब एग्जैक्टली बताने जाऊं तब तो फिर वो मुझे बहुत सारी चीजें अभी तो याद भी नहीं है, उस टाइम जब मैं लिख रही थी तो मैंने नोट्स बनाए थे और बहुत टाइम भी हो गया अभी पढ़े हुए, लेकिन मोटा मोटे बात यही है कि तुलसीदास जी के पूरी जीवनी के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया गया है, एक प्रेजेंट टाइम फ्रेम को, 1 साल के टाइम फ्रेम को, जब उनकी पत्नी की मृत्यु होती है और 1 साल बाद जब उनकी खुद की मृत्यु होती है, उस दौरान उनके जो शिष्य हैं वो जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो बाबा उनको अपनी कहानियों के छोटे छोटे अंश बताते रहते हैं, और वहां से हमें पता चलता है कि कैसे कैसे वो शादी नहीं करना चाहते थे, फिर कैसे उनकी शादी हो गई, कैसे वो बनारस गए, कैसे वो अयोध्या गए, फिर कैसे वो बनारस आए वहां पे, उनके प्रेम प्रसंग के बारे में, और इस तरीके की कई सारी बातें हैं जो उस किताब में लिखी गई हैं, जो आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो जानने के लिए भी बहुत अच्छी है और पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छी है। इसी पर एक सवाल और आया है अभी मन में, क्योंकि मैंने मानस का हंस नहीं पढ़ी है,
तो रत्नावली और तुलसीदास के वियोग के अलग अलग किंवदंतियां हमें सुनने में आती हैं। कोई कहता है कि आर्थिक कंडीशन यानी उनकी जो सही नहीं थी आर्थिक परिस्थितियां उस कारण से छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि वो घृणा हो गई थी उन्हें क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तो मानस का हंस में रत्नावली और तुलसीदास का वियोग किस तरह से दिखाया है? तो मानस के हंस में उन दोनों का जो प्रेम प्रसंग है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जब ये जो वियोग की आप बात कहते हैं तो वहां पे एक समय आता है कि जब बाबा तुलसीदास की संतान होती है नई नई, और फिर वो सोचते हैं कि उनको पैसा कमाना चाहिए, और इस उद्देश्य से मेरे ख्याल से वो मथुरा जाते हैं। हाँ, शायद मथुरा ही जाते हैं अपने दोस्त के पास। और फिर एक टाइम पे जब वो कुछ पैसा कमा लेते हैं, किताब में इस तरीके से है कि जब वो पैसा कमा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब मुझे मिलने जाना चाहिए रत्नावली के पास, तो वो बारिश में, जिस दिन वो पहुंचते हैं उस दिन बहुत बारिश हो रही होती है, तो जाते हैं। और रत्नावली उस टाइम अपने मायके में होती है, मायके में जो उनके पिताजी की वो इकलौती संतान है और उनके पिताजी का देहांत हो चुका है, तो वो अभी अपने चचेरे भाई और भाभी और उनके बच्चों के साथ है। तो आधी रात को जब तुलसीदास जी पहुंचते हैं अपने ससुराल, तो उनकी जो सरहज है वो इस बात पे छेड़ देती हैं कि मतलब इतनी रात को आ गए, वो भी मतलब बारिश में भीग के। तो कहीं ना कहीं रत्नावली जी को ये बात मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लगती है, ऑकवर्ड लगती है। फिर रात का ही वक्त होता है कि रत्नावली खुद उन्हें ऐसा कह देती हैं कि मतलब तुम तो बड़े राम के चेला बनते हो, तुमसे एक दिन नहीं रहा गया अपने पत्नी के बिना, और इस तरीके से वो कुछ उनको बोल देती है। और ये बात उनको बहुत हर्ट कर जाती है कि यार ये बात तो सही बोल रही है कि मतलब मुझे तो राम के पास होना चाहिए। और इस तरीके से दिखाया गया है कि फिर वो चीज उनको इस कदर हर्ट करती है कि वो रात को अपनी पत्नी और बच्चों को सोता हुआ ही छोड़ के चले जाते हैं। एक और सवाल जैसे आपसे मैं पूछूं कि ऐसी 5 किताबें जो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसे कंपलसरी तो नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान का नजरिया अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है पढ़ने का, लेकिन आपके नजरिए से ऐसी 5 किताबें पुराने राइटर्स की जो पढ़ना चाहिए, और नए राइटर्स में ऐसा किसी ने भी कुछ ऐसा लिखा हो पिछले 20 या 30 साल के बीच में, तो ऐसे नए राइटर्स की 5 किताबें जो पढ़ना ही चाहिए लोगों को? नए राइटर्स में तो पिछले 20 साल में तो यार मुझे नहीं, मतलब मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने रीसेंट राइटर्स में ऐसा कुछ पढ़ा हो बहुत रीसेंट में। हाँ, मैंने महेंद्र कुमार सानी हैं जो गजल लिखते हैं, उनकी किताब है गजलों का संग्रह है। अगर आप गजलों में दिलचस्पी रखते हैं तो आई थिंक वो आपको पढ़नी चाहिए। और हाल में फिर लवली गोस्वामी जी, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, उनकी खुद अभी ये किताब आई है उदासी मेरी मातृभाषा है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और हाल में मैंने शायद बहुत बहुत लोगों की किताबें पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं पहले का ही बहुत नहीं खत्म कर पाई हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आ रही है आवाज? हर्ष, हाँ आपकी आवाज आ रही है मेरी? तो नए लोगों का जो ज्यादा नहीं आता, बहुत किताबें नहीं पढ़ी। मैम आवाज कट रही है। करके कभी है मैम, आपकी आवाज कट रही है। आपकी दीदी, आपकी आवाज काफी फ्लक्चुएट कर रही है। भैया
भैया ऑन कर लो, अब अपना माइक का छू तो करो। भाग गए। शायद कोई नेटवर्क इशू है, उसके कारण से उनकी आवाज काफी फ्लक्चुएट हो रही है, तो वो अभी रिजॉइन करेंगे। उस बीच में अगर हमारे फेसबुक यूजर्स के पास, हमारे फेसबुक ऑडियंस के पास अगर कोई सवाल है या कुछ भी वो शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कुछ नहीं आया है। अरे दशा दीदी ने किया था, बस उन्हें कर बताऊंगी, उन्हें दशा दिखाई दी बस। छोटी सी कर दूंगा। अरे कर दो ना, बीच में कर दो यार, देखा ही नहीं होता, हमसे नहीं बनेगा, हम कुछ और पैसे ले लोगे। हेलो, हाँ बता रहे हैं। हाँ दीदी, अभी आवाज आ रही है आपकी। ओके ठीक है, हर्ष आई टेक द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज जी श्योर नेटवर्क का भी इशू हो रहा है, तो ये वाला प्रश्न मैं कंप्लीट करना चाहूंगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान का मैं नाम लेना भूल गई थी, गीत चतुर्वेदी जी, खुशियों की गुप्तचर इनकी किताब है और मुझे लगता है इट्स अ मस्ट रीड। गीत चतुर्वेदी जी को आप अदरवाइज भी आप फॉलो करिए तो वो आपको बहुत सारे और दूसरे कवियों और कलाकारों से मिलवा देंगे, तो ये नाम आप लोग जरूर लिख लीजिए। पुराने में पुरानी 5 किताबों के बारे में पूछा था अनुज ने, तो एक तो ये है मानस का हंस, फिर गुनाहों का देवता, त्यागपत्र और मतलब जॉन एलिया को, शायरों में मैं जॉन एलिया को बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ तो आप मुझे लगता है उनको भी पढ़ना चाहिए, और मतलब वैसे तो फिर बहुत सारी किताबें हैं बट आई थिंक ये काफ्का ऑन द शोर इज वन बुक जो मुझे लगता है पढ़ी जानी चाहिए। ओके मतलब ऐसे और भी बहुत नाम होंगे बट अभी मुझे हाँ ऑब्वियसली मतलब राम तो बहुत सारे हैं, जितने नाम आपने बताया उनको हम जरूर कोशिश करेंगे पढ़ने की और जितने और भी पढ़ सकेंगे। और अगर किसी और के पास क्वेश्चन है तो हम लास्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे, अदरवाइज मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं पूछ सकूंगा, लेकिन अगर हम किसी और का क्वेश्चन ले सके तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूछ सकता हूँ? हाँ वरुण भैया, एक्चुअली मैम ने कहा था कि वो लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसलिए मैंने रोका, तो यदि मैम ठीक समझे तो एक क्वेश्चन हो। जी पूछिए। हेलो, मेरा नाम वरुण प्रधान है। आपने बिल्कुल शुरुआत में एक बात कही थी कि आप शेयर नहीं किया करती थी शुरुआती दिनों में, तो ये परेशानी कई नए लोगों के साथ होती कि वे लिखते तो हैं बट शेयर नहीं करते, शायद वो हेजिटेंट होते हैं या एक तरह का डर उन्हें होता है, खास तौर पर जब वो रेसिटेशन के पॉइंट पर आए, तो आपकी जो जर्नी थी शेयर ना करने से लेकर शेयर करने तक की, उसके बारे में आप थोड़ा यदि हमें बता दें तो शायद नए लोग भी मोटिवेट होंगे अपनी चीजें शेयर करने के लिए। हाँ मतलब वैसे तो मैं अभी भी बहुत कम ही शेयर करती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा मुझे याद नहीं रहते कि चीजें शेयर करनी है या सोशल मीडिया पे मैं उस तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो एक बात आप ये ध्यान रखिए कि आपकी रचना चाहे कितनी अच्छी हो अगर वो आपके पास है तो कल विलुप्त हो जाएगी, तो ये बहुत जरूरी है कि वो जनता तक पहुंचे और फिर लोग उसे जज करें कि वो आगे मतलब इतिहास बनने लायक है कि नहीं, और मतलब ये एक चीज मैं सोचती हूँ कि हाँ अगर मैं सिर्फ अपने पास तक रखूंगी तो किसको पता चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो
अभी शायद अब हम प्रोग्राम एंड करते हैं, हर्ष मैं आगे करता हूँ। तो मैम काफी अच्छा लगा आपसे सवाल पूछ के, आपके जवाब काफी प्रभावी थे और बहुत कुछ सीखने मिला। आपने लगातार सीखते रहने की सलाह करी, आपने कहा कि लगातार पढ़ते रहिए, तो जोनेलिया का भी आपने जिक्र छेड़ा, तो एक उनका शेर याद आया तुरंत में कि दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो आपके अनुसार आपकी आखिरी मोहब्बत अंततः सीखना ही होनी चाहिए, आप लगातार सीखते रहें, आप अपने जिस भी गंतव्य पर जा रहे हैं उस पर लगातार बढ़ते रहें, तो कहीं ना कहीं कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, चाहे आप लेखन के क्षेत्र में जाएं, चाहे आप ओपन माइक के उसमें जाएं, चाहे आप कुछ नया वेंचर ट्राई करना चाहें, तो आपको लगातार सीखते रहना चाहिए, आपकी लगातार कमजोरियां दूर होती जानी चाहिए, आपको लोगों से कंसल्ट करना चाहिए, आपके दोस्तों से कंसल्ट करना चाहिए। तो काफी अच्छा लगा मैम आप आने का, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच आए, आपने इतने अपना समय निकाला और बहुत अच्छा लगा, तो धन्यवाद गुडलिंग की तरफ का ये आगाज आपने जिस तरह से किया है इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे, तो धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, मुझे खुद अनुज मुझे बहुत खुद बहुत ज्यादा मजा आया, और ऑल द बेस्ट आप लोगों के वेंचर के लिए, आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, नया सीखते रहिए, और फिर मिलेंगे जरूर। थैंक यू वेरी मच दीदी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच इतना सब कुछ बताने के लिए और इतनी सारी चीजें सजेस्ट करने के लिए। हम कोशिश करेंगे उस पर अमल करने की और जितने भी किताबें आपने बताई वो पढ़ने की। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, गुड नाइट। गुड बाय मैम, गुड बाय। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।